नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र के ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी डिस्प्ले सेंटर में है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बातें नंदुरबार ज़िले में पाई जाती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, वो हम सब देखेंगे। नंदुरबार ज़िला जनजातीय ज़िलों में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे सातपुड़ा पर्वत रांगों में अलग अलग जनजातीय किसान यहाँ पे सातपुड़ा में है, तो वो कृषि के लिए जिन ट्रेडिशनल औजार और ट्रेडिशनल सीड्स इनका उपयोग वो करते हैं, आज भी हमें छोटे छोटे गांव में ये सब बातें देखने मिलती है। इसका डिस्प्ले कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सेंटर डिस्प्ले सेंटर जो है यहाँ पे हमने रखा हुआ है, तो आज देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो किसानों के पास ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट जो है, जो खेती में यूज़ किए जाते हैं, वो हम देख रहे। इसमें छोटे छोटे सभी औजार आपको देखने मिलेंगे जो डेली कृषि में यूज़ किए जाते हैं, जिनका अलग अलग जो क्रॉप्स है उसमें यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग औजार यहाँ पे हमने डिस्प्ले में हम देख रहे हैं। उसी तरह कुछ लकड़ी के छोटे छोटे मॉडल यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जिसमें बीज बोने का यंत्र है, अलग अलग इंटर क्रॉप कल्टीवेशन जो करते हैं वह भी आपको दिखाई देंगे। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के इम्प्रूव्ड टूल्स जो बोलते हैं वह भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसका ज़्यादा तो लिटरेचर मराठी में हमने रखा है क्योंकि यहाँ पे मराठी भाषा है, तो यह सभी रेगुलरली किसानों द्वारा यूज़ किए जाते हैं और इसका इंफॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे पीछे ये भी मराठी में डिस्प्ले किया हुआ है। यह देख सकते हैं आप, मक्का सोलनी यंत्र हम इसे बोलते हैं, तो यह भी एक ड्रजरी रिड्यूसिंग छोटा औजार है। ट्रेडिशनल सीड जो है यहाँ पे आप मक्का देख सकते हैं, इसके अलग अलग कलर भी है यहाँ का, यह अलग वैरायटीज हम इसको बोल सकते हैं मक्का की। यह सब नंदुरबार ज़िले में जो जैव विविधता है वह हमें देखने मिलती है। मिर्च यहाँ पे आपको देखने मिल रहे, अंबाड़ी, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे माइनर मिलेट भी पाए जाते हैं, इसके यह सैंपल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे जो नवापुर तहसील है वहाँ पे धान भी अच्छा लिया जाता है, धान के भी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज यहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इसका बीज यहाँ के जो किसान है वह ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, उनके पास इनका बीज भी वो रखते हैं ताकि अगले साल यूज़ किया जा सके। कुछ मटेरियल हमने किसानों के पास से जो अलग अलग सीड है वह भी हमने इकट्ठा करके इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप इनके नाम भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो इनका नॉमिनिक्लेचर है वो भी किया हुआ है। यह सब नंदुरबार ज़िले का मटेरियल है, यहाँ की जो जैव विविधता है वह हम सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जानवरों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट घटक माना जाता है वह चारा, उसके भी बीज हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। यह सुधारित बीज है, जैसे मक्का है, अफ्रीकन टॉल, स्टाइलो नाम का चारा है जो बहुवार्षिक है, लुसन नाम का चारा है यह भी बहुवार्षिक है, दशरथ नाम का चारा है यह भी एक बहुवार्षिक है, यानी इसकी साल में
बहुत सारी कटाई हम ले सकते हैं, जैसे कि बहुवार्षिक ज्वार है, इसकी 7 से 8 कटाई ले सकते हैं। लुसन की तकरीबन 12 कटाई हम ले सकते हैं। तो ऐसे चारे भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये छोटे यंत्र है, यह इंटर कल्टीवेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है, मोगी हो या मोगी एक साकी सुधारित कोड़ पे, ये मराठी में है, तो यह भी इंटर कल्टीवेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यह ऐसा पूरा एक डिस्प्ले सेंटर, आपको भी जिन किसान भाइयों को देखना है वह कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार, यहाँ पे आपको यह देखने मिल सकता है। थैंक यू।